आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि बहुत बच्चों ने ये हमें कमेंट भी किया था और बहुत बच्चों की डिमांड भी थी कि आपको जो है जाना था कि आफ्टर क्लास 12th हम किस कॉलेज में जो है एडमिशन करवाएं, तो देखिए मैं बाकी को नहीं बता नहीं सकता हूँ अभी, लेकिन मैं अभी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में जो आपका कॉलेज है जहाँ मैं खुद पढ़ता हूँ वहाँ से मैंने BSc ऑनर्स किया है, तो मैं उसका बताता हूँ। देखिए पीछे फोटो आप देख सकते हैं, ये पंचशील PG कॉलेज की फोटो है। तो पंचशील PG कॉलेज के बारे में बताया जाए, तो पंचशील PG कॉलेज बताया जाए है कहाँ पे, ये मेन वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, तो वो सम्राट अशोक नगर इटौरा बुजुर्ग और उत्तर प्रदेश यानी UP में है। बहुत बच्चों का ये पूछना था कि सर कि कहाँ से क्या मतलब कौन कौन सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, तो आपको बता दिया जाए कि पंचशील PG कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, एक्सेप्टेड आपके जो ये BCA एंड BBA वाले कोर्सेज हैं इनको छोड़ करके, ठीक है। तो देखिए ये कॉलेज की फोटो आ गई है बिल्कुल, ठीक है, ये मेन वेबसाइट आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे संपर्क नंबर वंबर सब दिया गया हुआ है। अभी इसको हम दिखाएंगे, पहले आपको दिखा देते हैं कि देखिए ये जितने भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई हैं साल भर में उसकी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। देखिए आप बता दीजिए कि पहले तो पंचशील PG कॉलेज में है क्या क्या, तो यहाँ पे BA का कोर्स अवेलेबल है, BA है, BSc है, BSc दो वर्ष से है, आपका मैथ से भी है और बायोलॉजी से भी है। इसके अलावा बता दिया जाए आपको BCOM है, BCOM के अलावा आपकी जो शैक्षणिक जो शिक्षा के जो होते हैं यानी कि जो आपके CTET और TET में लगते हैं, BEd और BTC के लिए भी कॉलेज यहाँ पे है, प्लस अभी यहाँ पे देखो आप देख भी पा रहे होगे BSc एग्रीकल्चर के लिए पहला कॉलेज है, और ना केवल BSc एग्रीकल्चर के लिए रायपुर डिस्ट्रिक्ट में MSc एग्रीकल्चर के लिए भी पहला कॉलेज है ये, ठीक है। तो आपको BEd और BTC प्लस आपका BSc और MSc में जो एडमिशन हो रहे हैं उनके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, अभी ये पहला वीडियो है जहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन कोर्सेज हैं और कैसे कैसी फीसेज हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं BA की फीस के बारे में बताने के लिए। देखिए BA में जो है साल भर में लगती है 6500 फीस, ठीक है, ये भी दिक्कत हो सकती है BA में कि BA में जो होता है सेमेस्टर वाइज फीस लगती है, 3000 पहले लगती है और फिर 3500 बाद लगती है। जिन बच्चों के और जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपके जैसे बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके वो होते हैं आपके प्रोजेक्ट वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें जो है आपके जो होती है फीस वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, बट BA में जनरल फीस जो होती है वो आती है 6500। अब BA की हमने बात कर दी है तो BA बस BSc की बात आती है, तो BSc में कौन सी फीसेज है, तो BSc में जो है वो 8000 फीस है, जिसमें 4000 फीस आपकी लगती है पहले सेमेस्टर में और 4000 लगती है बाद के सेमेस्टर में। 4000 आपकी मैथ्स वालों की भी है और 4000 आपकी बायोलॉजी वालों की भी है। बायो जो बच्चे हैं उनमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो आपके वो होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उसकी फीस आपकी अलग होती है। इसके अलावा बताया जाए कि आपकी जो है इसके बाद BCOM की बात आती है, तो BCOM में अगर बात हम करें तो BCOM में जो आपकी अगर बात करें तो BCOM की फीस है वो भी आपकी 8000 रुपये फीस है। इसके बाद बताया जाए कि आपकी तो अब बात आती है आपकी BSc AG और MSc AG। देखिए BSc AG की जो फीस है वो है 20000 रुपये सालाना, ठीक है, 20000 रुपये सालाना है, लेकिन 10000 रुपये आपके जमा होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में एंड फिर जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में होता है फिर आप 10000 जमा करते हैं, मतलब कि एक साल में आपके दो सेमेस्टर्स होते हैं, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 10000 जमा होता है और सेकेंड सेमेस्टर जमा होता है। BSc AG में 2000 रुपये जो होता है वो प्रैक्टिकल फीस लगती है, तो कुल मिलाकर के 12000 फीस आपकी हो गई। और इसके अलावा 200 रुपये का आपका जो है एडमिशन फॉर्म मिलता है, आप किसी भी चीज़ में जाएंगे, आप चाहे BA में जाएं, BSc में जाएं, BSc AG में जाएं या BCOM में जाएं, सब में एडमिशन फॉर्म जो है वो 200 रुपये का लगता है। अब आपको बताते हैं थर्ड चीज़ की बात बताया जाए, तो थर्ड कोर्स जो है हो गई, और इसके अलावा 200 रुपये का आपका जो है एडमिशन फॉर्म मिलता है, आप किसी भी चीज़ में जाएंगे, आप चाहे BA में जाएं, BSc में जाएं, BSc AG में जाएं या BCOM में जाएं, सब में एडमिशन फॉर्म जो है वो 200 रुपये का लगता है। अब आपको बताते हैं थर्ड चीज़ की बात बताया जाए, तो थर्ड कोर्स जो है BSc AG की बात आता है MSc AG की अगर बात करें तो MSc AG में अभी देखिए पूरी प्रकार से मैं श्योर नहीं हूँ बट मैं बता देता हूँ 15000 रुपये फीस है, 15000 रुपये फीस आपकी सेमेस्टर वाइज फीस लगती है, 15000 फीस लगती है, क्योंकि आप जानते हैं कि BSc AG और MSc AG बड़े कोर्सेज में माने जाते हैं, BTEC लेवल के बराबर के कोर्सेज होते हैं, इसलिए आपको बता दीजिए अगर आप पंचशील PG कॉलेज से BSc AG और MSc AG करते हैं तो आपका 1,00,000 तक का रुपये जो है वो आपका ओवरऑल की जो डिग्री है वो पूरी 1,00,000 तक का जाएगी। इसमें स्कॉलरशिप भी आपकी आती है, स्कॉलरशिप में आपका काफ़ी कुछ यहाँ पर रिटायरमेंट हो जाता है, लगभग आधी फीस आपकी वापस आ जाती है, प्लेसमेंट आपको मिलता है तो प्लेसमेंट भी रहता है यहाँ पर। और कॉलेज की बात करें तो क्या मैंने पहले बताया था कि BSc AG को लेकर के केवल एक ही कॉलेज है जो कि 2004 और 2005 में यहाँ पे आया है, वो है आपका पंचशील PG कॉलेज जहाँ पर BSc AG और MSc AG भी हो गया है। अब आपको बता देते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में बताएं तो
बीए में कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। देखिए मेरे पास ये जो है ये प्रॉस्पेक्टस है भी, तो मैं अभी इसको आपकी फ़ोटो भी भेज दूंगा इसकी, तो अभी बता देते हैं आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पर एमए भी होता है, एमए के सब्जेक्ट्स भी हम बताएंगे। एमए की फ़ीस आपको बता देते हैं, एमए की फ़ीस है 8,500 रुपये, ठीक है, सालाना फ़ीस आपकी है, चलिए बता देते हैं। और इसके अलावा डीएलएड और बीएड की बात अभी बाद में करते हैं, पहले आपको कोर्स बता देते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए बीए की अगर बात करें, बीए की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। बीए में आपके हैं हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, सारी शिक्षा और सहपाठ विषय, मतलब होता है आपका कि आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो बीए में आपके माइनर सब्जेक्ट होते हैं मेरे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सहपाठ विषय में जो है आपकी कला हो सकती है और बाकी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। इसमें कुछ सीटें बता दो, कुछ सीटें यहाँ पे 600 सीटें यहाँ पे कुल हैं बीए में, तो आप यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं जा करके। अब हम बात करते हैं बीएससी की, तो बीएससी दो ग्रुप में है, एक मैथ और एक बायो। तो बायो में कौन कौन सब्जेक्ट है, बायो में आपके हैं जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। और इसके अलावा अगर बात करें मैथ में, तो मैथ में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है आपका। इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट रहता है जो कि आपका कंप्यूटर साइंस रहता है, वो आपको सबको पढ़ना होता है, वो आपका जो होता है ऐच्छिक विषय होता है बीएससी के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीकॉम, तो बीकॉम में आपका अगर बात करें तो अकाउंटेंसी आपकी आ जाएगी, बिजनेस स्टडीज आ जाएगी आपकी, कॉमर्स रहेगी आपकी, यही सब सब्जेक्ट्स वहाँ पे रहते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं बीएससी एजी में, तो बीएससी एजी में आप फर्स्ट सेमेस्टर जो भी आईसीएआर के द्वारा, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट जो होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है आईसीएआर का सब्जेक्ट, आईसीएआर के द्वारा वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अगर आप मेन सब्जेक्ट बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो आपके वहां पे एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इसके अलावा सॉयल साइंस हो गया, इसके अलावा फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इस प्रकार के सब्जेक्ट वहां पे आपको मिलने को रहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगर एमए की बात करें, तो एमए यानी यूजी कोर्स की अगर बात करते हैं, पीजी कोर्स की सॉरी बात करते हैं, तो उसमें जो है साहित्य, हिंदी साहित्य से 60 सीटें यहाँ पे दी गई हुई हैं। एमए में समाजशास्त्र से भी यहाँ पे 60 सीटें दी गई हुई हैं, भूगोल से 60 हैं, गृह विज्ञान से 60 हैं, शिक्षा शास्त्र से 60 सीटें हैं और राजनीति विज्ञान से 60 सीटें हैं, तो टोटल मिलाकर के 360 सीटें यहाँ पे हैं। तो ये सब ये आपकी यहाँ पे ये विषय दिए हैं। अब हम बात करें अगर एमएससी एजी, तो एमएससी एजी के लिए पहला कॉलेज ऐसा है जहाँ पे आपको 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। पहला है आपका एग्रोनॉमी एमएससी एजी में, दूसरा आपका है हॉर्टिकल्चर और तीसरा आपका एमएससी एजी में है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, प्लस इसमें प्लेसमेंट का भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर आप एमएससी एजी करते हैं पंचशील से, तो काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा बात किया जाए बीएड और बीटीसी के बारे में, तो देखिए बीएड और बीटीसी की अगर बात करें, कॉलेज का नाम भी यहाँ देखिए दिया गया है बीएड और बीटीसी के लिए यहाँ पर है। देखिए बीएड और बीटीसी की बात करें, तो इसकी फीस की बात करें, तो देखिए जो भी गवर्नमेंट निर्धारित करती है, क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज में आप जानते हैं नॉर्मली बीएड और बीटीसी की बात करते हैं, तो उसका जो फीस होती है वो लगभग 1 लाख के आसपास आपकी आती है पूरा कोर्स की। आपको बता दिया जाए, देखिए बीएड और बीटीसी का जो फीस पड़ती है फर्स्ट सेमेस्टर की, लगभग 58,000 के आसपास की पड़ती है। उसके बाद फिर जो होता है वो आपका थोड़ा सा और अपडेट होता है चीज़ों का, तो फिर वो बीएड और डीएलएड के लिए बारे में ये जो चीज़ें होती हैं वो ऐसा होता है, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जब आपका टीचिंग एंगेजमेंट होता है, जब आप शिक्षण के ऊपर